अब एक नंबर का काम किया जाता है, 3-1 का मसाला लगता है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब मकान मजबूती से बनता है। मकान की जो बुनियाद 6 फीट नीचे रखी जाती है, आजकल बिल्डर्स लोग दे रहे हैं जो 3 फीट नीचे रखते हैं, 2 फीट नीचे रखते हैं, लेकिन हम लोग मकान जो सबसे नीचे 6 फीट रखा जाता है। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी 360 पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग नई नई साइट पे आपको विजिट कराते हैं अच्छी से अच्छी लोकेशंस पे, उसी तरह से आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ की आपको बहुत मकान मिलने वाले हैं, अच्छे कम बजट पे मकान मिलने वाले हैं, आपके बजट में मकान मिलने वाले हैं और काफ़ी गेटेड सोसाइटी रहने वाली, सारी चीज़ों की आपको सुविधाएँ मिलने वाली, क्या क्या किस तरह के मकान हैं, क्या डिटेल है उसकी, सारी चीज़ें हम लोग अभी आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि किस तरह से आप यहाँ मकान ले सकते हैं, क्या डिटेल है उसकी। और हमारे साथ इस वक्त आयुष जी जुड़े हुए हैं। पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और ये आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इनसे देर ना करते हुए, क्या इस पर लोकेशन है इसकी, क्या डिटेल है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो आयुष जी, मैं चाहता हूँ हमारे व्यूवर्स को आप अपनी इस प्लान की क्या लोकेशन है उसके बारे में थोड़ा सा पहले बता दें। ये जो हमारा प्लान है, ये जानकीपुरम में शुक्ला चौराहे से मात्र 500-600 मीटर की दूरी पर है जी। यहाँ पर टोटल मकान, मतलब गेटेड कॉलोनी है, टोटल मकान जो हमारे यहाँ पे तो सेल हो चुके हैं, लेकिन हम बना रहे हैं और मतलब बुकिंग पे हम बना के दे देंगे। अच्छा, ये शुक्ला चौराहा जो है जानकीपुरम, जानते ही होंगे सब लोग, जानते जानकीपुरम, जानकीपुरम से शुक्ला चौराहे की दूरी बहुत ज्यादा, 1 से 1.5 किलोमीटर, वहाँ से आपको 500-600 मीटर दूरी पर ये रसूलपुर लगता है, रसूलपुर में सारे मकान है। यहाँ से सीतापुर रोड की डिस्टेंस जो सीतापुर हाईवे है 2.5 किलोमीटर है। अच्छा जी, यानी कि दोस्तों आपको सीतापुर जो हाईवे है जो आपको सीतापुर को कनेक्ट करती है वो 2.5 किलोमीटर है यहाँ से। और इसके बारे में थोड़ा सा बताइए क्या एरिया के मकान यहाँ पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे जो है 25x40 1000 स्क्वायर फीट के सारे मकान आपको मिलेंगे। अच्छा, बाकी अगर छोटा चाहिए तो उसके लिए आपको बुक करना पड़ेगा, अब हम आपको छोटा भी अवेलेबल, छोटा भी मिल जाएगा है ना, 800-600 जो भी चाहिए। तो क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, क्या मटेरियल यूज़ करते हैं हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा पहले ही बता दिए कि वीडियो लोग देख रहे हैं तो उसको पता चलना चाहिए कि किस तरह से क्या यूज़ कर रहे हैं आप, क्या चीज़ें। मटेरियल जो है अव्वल ईटा रहता है, 12 mm की सरिया रहती है, सब 1 नंबर का काम किया जाता है, 3-1 का मसाला लगता है, मतलब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सब मकान मजबूती से बनता है। मकान की जो बुनियाद 6 फीट नीचे रखी जाती है, आजकल बिल्डर्स लोग दे रहे हैं जो 3 फीट नीचे रखते हैं, 2 फीट नीचे रखते हैं, लेकिन हम लोग मकान जो सबसे नीचे 6 फीट रखा जाता है। मैं चाहता हूँ आप मेरे व्यूअर्स को एक मकान अपना कुछ दिखा दिए किस तरह से क्या होने वाला है जी, है ना। ये आप दिखाइए, ये 25 इसका फ्रंट है और 40 गहराई है। अच्छा, इसका एरिया भी 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये मकान जो बना हुआ है 1000 स्क्वायर फीट में, इसमें आपने फ्रंट बताया आपने कितना, फ्रंट इसका 2500 और गहरान 40 है, यही 25x40 के ही मकान आपको मिलेंगे। अच्छा, सब सेम एज इट इज ऐसे ही मिलने वाले हैं ना। तो गेट वगैरह सब अच्छी क्वालिटी का आपका यूज किया गया है, 2 क्विंटल का पूरा गेट है, सब कुछ मजबूती से दिया गया है। यहाँ पे आपकी एक कार पार्क हो सकती है, 10x17 की कार पार्किंग दी गई इसमें, अल्टो है, डिजायर है, मतलब छोटी गाड़ियां हैं जो सारी पार्क की आराम से यहाँ पे पार्क हो, 10x17 का। फिर आपका यहाँ पे तो मैंने टॉयलेट नहीं दिया, लेकिन वो जो मैंने नया मतलब प्लान चल रहा है उसमें आपको 7x5 का यहाँ पे टॉयलेट मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे आपको वॉशरूम भी मिल जाएगा है ना, जिससे कि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, गेस्ट वगैरह आते हैं तो आप बाहर यूज कर सकते हैं उसे। बाकी इन्वर्टर वगैरह के लिए सब स्पेस दिया गया है। अच्छा, ये आपका इन्वर्टर वगैरह बैटरी वगैरह के लिए स्पेस आपने दे रखा है, यहाँ पे आपकी कार पार्क हो जाएगी और आराम से मेरे ख्याल छोटी बाइक वगैरह पार्क, कार दोनों चीज पार्क, दोनों चीज आपकी यहाँ पर। बाकी मकान गेटेड है, आप बाहर भी खड़ी कर सकते हैं, पूरी क्योंकि सिक्योर है एकदम, तो कोई इशू नहीं आने वाला कि आप कार अगर बाहर भी अपनी खड़ी करना चाहते हैं, है ना। तो ये जो गेट है हमारे एंट्रेंस गेट है, ये आप 10 साल की वारंटी पर है, अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है इनके तुरंत चेंज होकर लग जाएगा। अच्छा, ये पूरी आपकी गारंटी वारंटी पर रहता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूरी। फिर हम ये आप ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साइज की बात करें तो आपको हम नक्शा प्रोवाइड करा देंगे भैया के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। ड्राइंग रूम जो है 13x10 का है। अच्छा, 13x10 का आपको ड्राइंग रूम मिल रहा है दोस्तों, है ना। और
इसमें रूम वगैरह कितने मिलने वाले हैं? रूम इसमें टोटल रूम तो 3 है, ड्राइंग रूम मिला के 3 है, बाकी बेडरूम की बात करें तो 2 बेडरूम पीछे दिए। अच्छा, 2 बेडरूम दिए गए हैं। क्या साइज होने वाला है उनका? उनका साइज जो बेडरूम का साइज है 12x13 और एक बेडरूम का साइज 12x13, एक बेडरूम का साइज 11x11 का है। अच्छा, और फिर ड्राइंग रूम सेंटर करते ही ओपन किचन है, ओपन किचन आपको मिल जाता है, ओपन किचन है जिस, और डाइनिंग स्पेस भी दिया गया है। डाइनिंग स्पेस जो है, डाइनिंग स्पेस की बात करें तो 12x7 का डाइनिंग स्पेस। अच्छा, यहाँ पे आपको डाइनिंग स्पेस भी मिल रहा है। तो दोस्तों, ओपन किचन आपको यहाँ पे मिल रहा है। अगर कोई अपनी तरह से कस्टमाइज कुछ कराना चाहता है, इसमें चेंजेस कराना चाहता है, तो इजीली चेंजेस जो भी होता है, अगर पहले आ जाता है तो हम चेंजेस कर देंगे। हाँ। बाद में आता है तो हाँ, मतलब आप मकान जब काम चल रहा हो तब अगर आप कहते हैं तो आपके हिसाब से चेंजेस कर दी जाएंगे। मकान बनने के बाद चेंजेस नहीं हो पाएंगे, है ना दोस्तों? आप देख सकते हैं किस तरह से हम लोग यहाँ पे। अच्छा, थोड़ा सा मटेरियल की बात करें, क्या अपने किस तरह का यूज़ किया है उसके बारे में थोड़ा। किचन वगैरह जो है हमारा फुल मॉडुलर करके दिया गया है, ठीक है। और किचन में जो ये मॉडुलर करने के लिए लकड़ी यूज़ की गई, सब एक नंबर की है, इसमें कोई भी दिक्कत कभी नहीं आने वाली। जैसे बहुत लोग यूज़ करते हैं, फूल जाती है, इसमें ना फूलने की समस्या आएगी ना कुछ, वो पूरा मतलब इंजीनियर वगैरह देख कर ही सब कुछ कराया। पेंट वगैरह की अगर हम लोग बात करें, आप लोग देख सकते हैं पेंट वगैरह सब नेरोलैक का यूज किया गया है। नेरोलैक है, एशियन पेंट्स है, मतलब अच्छी ब्रांडेड यूज की गई है, मतलब ऐसा नहीं कि लोकल लगाया गया है। तो अगर कोई यहाँ पे चाहता है कि मकान अपनी तरह से बनवाना या पेंट वगैरह, उसकी अपनी कुछ डिमांड रहती है? नहीं नहीं, बिल्कुल उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही हम लोग करा के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मकान बनने से पहले अगर वो आपसे बात कर ले तो आप उसके हिसाब से भी चीजें कर सकते हैं ना। इसमें भी साइज में जो कुछ चेंजेस चाहते हैं, रूम जैसे अलग जाते हैं तो चेंजेस हो जाएंगे, कोई दिक्कत हो सकती है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ये बताइए कि अगर कोई इसको लोन वगैरह कराना चाहता है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। लोन हमारा जो है 80-90% अवेलेबल है। LIC, HDFC, ICICI सारी बैंक यहाँ पे लोन कर रही हैं। लोन इजीली हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मतलब लोन आसानी से हो जाता है। तो अच्छा, अगर हम लोग इसके प्राइस की बात करें, क्योंकि हमारे व्यूअर्स काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। जो हम लोगों ने रखा है 1000 स्क्वायर फीट का 40 लाख रुपये, 4000 इस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रखा गया है। और बाकी डिस्काउंट की बात करें, अगर आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से आएगा तो जो उचित हमसे हो पाएगा वो बताएगा कि भैया मैं प्रॉपर्टी 360 से आया हूँ, तो उचित डिस्काउंट दिया जाएगा। हाँ, तो मतलब कि जो ये वीडियो देख के आता है उसको आप अच्छा डिस्काउंट भी देंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये बहुत अच्छी आपने देखा प्लानिंग है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपके मकान कई सारे सेल भी हो चुके हैं, सारे टोटल इसमें जुड़ गए हैं, इसमें सारे आपके हमारे बुकिंग पे बने, कुछ हमारे बुक भी हैं उसमें। अच्छा, मतलब 4 मकान 1000 स्क्वायर फीट के बुक हैं। अगर उसमें कॉर्नर का चाहिए तो 1270 स्क्वायर फीट कॉर्नर भी दे देंगे। अच्छा, रेट कॉर्नर का अलग है, 4200 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट से है, बाकी जो सिंगल स्टोरी 1000 स्क्वायर फीट वो 4000 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अभी कॉर्नर भी लोग ले सकते हैं, कॉर्नर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सारी चीजें उन्होंने बताई, बाकी टाइल्स की बात करें तो टाइल्स हमारी सब 2x2 की है, और सब अच्छी टाइल है, डबल चार्ज यूज की गई है जी, और पूरा फ्लोरिंग करा के दिया जा रहा है, ग्राउटिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट करके दिया जाएगा। तो अगर आपको मतलब मटेरियल का कोई किसी को देखना चाहता है तो यहाँ वो आके विजिट भी कर सकता है ना जी। जी, अगर आपका काम देखना चाहता है किस तरह से आप काम करा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले अपना खुद मकान के सामने बैठकर खुद बनवाए, कोई इशू नहीं कि क्या मटेरियल यूज किया जा रहा है उसके सामने यूज किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग दोस्तों देख सकते हैं सारे मकान ये आपको दिख रहे होंगे बने हुए, पूरी सोसाइटी सब में झंडा लगा हुआ है, सब आप देख सकते हैं, सारे टोटल बिक गए हैं, मतलब लगभग 8-10 मकान में रह रहे हैं। अच्छा, और बाकी कुछ लोग अभी शिफ्ट करना चाहेंगे, मतलब जैसे ही कोई अच्छा दिन आएगा शिफ्ट कर लेंगे। तो अभी यहाँ इसी की आपके बैक साइड पे आपने बताया कि यहाँ पे और प्लानिंग है आपकी, और हमारी प्लानिंग बहुत बड़ी है, यहाँ पे हाउस आपको परमानेंट मिल जाएगा, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। अच्छा, एरिया की अगर हम लोग बात करें, कोई छोटा मकान चाहता है उसको भी मिल जाएगा? छोटा मकान जो है वैसे बनाते तो नहीं, लेकिन अगर 600-800 चाहिए तो बनाकर दे देंगे, 600-800 भी ले सकता है यहाँ पे आपसे कॉन्टेक्ट करके। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपको बताई गई। और अगर जब यहाँ हम लोग ये देखिए, 3 सेट इसमें तो कवर नहीं, टोटल आप मकान दिखा दीजिए, इसमें सब 3 सेट ऊपर से कवर करके दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट करके दिया जाएगा, कराना कुछ नहीं। अच्छा, हम लोग यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, आसपास क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? आसपास आपको शुक्ला चौराहा है, ठीक है, शुक्ला चौराहे पे आपको जरूरत की हर सामान मिल जाएगी, बाकी यहाँ कॉलोनी में आपको जैसे पर्सनल यूज की है, डेली यूज की सारी चीजें मिल जाएंगी। बाकी अगर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे अब्दुल कलाम सुना होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज आपको पास में पड़ेगा, और बाकी सीतापुर रोड पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, नियर बाई हर चीज, हर सुविधा, पेट्रोल टंकी है, स्कूल है, कॉलेज है, हर चीज आपको मिल जाएगी, जाना कहीं नहीं है, कन्वेंस वगैरह 1 किलोमीटर सब कुछ मिल जाएगा यहीं पे। तो यहाँ कन्वेंस वगैरह की अगर बात करें हम लोग, कन्वेंस वगैरह सब परमानेंट चलते हैं, ऑटो वगैरह चलते हैं, ई रिक्शा,
बाकी हाईवे से तो आपको पता ही है सारा चीज अवेलेबल है, सीतापुर हो चाहे गोंडा हो या बाराबंकी जाना है कहीं भी जा सकते, आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। खासकर सीतापुर रोड वालों के लिए सबसे मतलब अच्छी लोकेशन है, जो कि लोग चाहते हैं कि सीतापुर रोड पे अगर आप मकान लेना चाहें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे मकान ले सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको इनका नंबर मिल जाएगा, आप इनको कॉल कर सकते हैं अगर कोई यहाँ पे देखना चाहता है तो। देखना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस है जो अटल चौराहे पर है, नागेश्वर नाथ नाम के नाम से है, हम आपको उसकी लोकेशन आपको शेयर कर देंगे। आप हमारे ऑफिस आएँ, हमारी खुद की गाड़ी आपको विजिट कराएगी। अगर आपको दिन पसंद आता है तो आप टोकन वगैरह कुछ भी डालकर अपना मकान बुक कर सकते हैं, फिर जब आपको रजिस्ट्री करानी हो रजिस्ट्री करा सकते हैं, जब आपको पोजिशन जितने समय में बता दी जाएगी उतने समय में आपको दे दी जाएगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें आपको आयुष जी ने बताई, स्क्रीन पे आपको इनका नंबर मिलेगा, और भी जो आप डिटेल चाहते हैं इससे रिलेटेड आपको जो भी डिटेल चाहिए वो आप इनसे कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे में किसी भी टाइम कॉल कर किसी भी टाइम आप इनको कॉल करके यहाँ की सारी डिटेल लग सकते हैं, देख सकते हैं, आपको मटेरियल देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह की प्रॉपर्टीज़ की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी 360 को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।